हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और रानी थी। राजा साहब बहुत बड़े पुण्यवानी राजा थे और पुजारी थे। राजा साहब भगवान के भक्त थे, भगवान को प्रिय भक्त थे। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा साहब अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छे से अपने राज में खुश रह रहे थे। राजा साहब का 5 पुत्र था और कन्या एक भी नहीं थी। राजा साहब सबसे कहते बताते कि मुझे 5 पुत्र है, यदि एक कन्या हो जाती तो हम तो धन हो जाते और बहुत परेशान रहते। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने कन्या के लिए बड़े बेचैन थे, बड़े व्याकुल थे। एक बार की बात है कि राजा रानी दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी राजा के द्वार पे एक महात्मा आए और महात्मा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते करते खड़े हो गए। राजा रानी गुरु बहना आंगन में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। महात्मा की आवाज सुनकर झट से बाहर गए। महात्मा ने राजा को मुख भरे आशीर्वाद दिए। राजा साहब अपने आंखों से आंसू गिरा दिए। महात्मा कहते हैं कि राजन, आप जैसा सुखी तो कोई संसार में भी नहीं है, आपकी आंखों में आंसू कैसा? राजा कहते हैं, हे राजा साहब, हे महात्मा जी, आप नहीं जानते, मैं इसलिए उदास हूं कि मेरा तो 5 पुत्र है लेकिन कन्या एक भी नहीं है। महात्मा कहने लगे, तो कोई बात नहीं, 5 पुत्र तो आपके पास है। कहते, हे महात्मा, जिस घर में कन्या नहीं वो घर में लक्ष्मी का प्रवेश कैसे हो सकता? जब ऐसा बात महात्मा सुने तो अपने भविष्य को, राजा को देखने लगे उनका, और देखते देखते बताए कि ही राजन, आपका अंश में एक कन्या है लेकिन कन्या के विवाह होने के बाद सिर्फ 7 साल वो सुहागन रहेगी, उसके बाद वो विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, राजा साहब शौक रह गए, रानी उदास हो गई, लेकिन फिर भी राजा बोले कि कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे कन्या होने का आशीर्वाद दे दीजिए। बोले कि तो ठीक है, तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हो जाएगा। और अपने थैली से एक सुंदर सा फल दिए और फल देकर बोले कि अपने पत्नी को आधा खिला देना और आधा अपने खा जाना। गुरु भाई बहना, जो राजा और रानी बहुत सारे धन देकर महात्मा को विदा करने को कोशिश किए, लेकिन महात्मा ने क्या किए,
कि एक चुटकी में राजा से भीछा लिए, चुटकी भर भीछा और लेकर चले गए। महात्मा कोई और नहीं थे, महात्मा तो स्वयं भोलेनाथ थे। चुटकी में भीछा लेकर और चले गए अपने गौरी के पास, पत्नी के पास जाकर बोले, हे देवी, मैं तो आज अपने भक्त लोग को, शिष्य लोग को एक महात्मा के रूप धारण करके देखने गया था, लेकिन एक राजा 5 पुत्र भी पाकर खुश नहीं है। उसका अंश में एक ही कन्या है, लेकिन विवाह होने के बाद 7 वर्ष के बाद वो विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात पार्वती सुन के सहन नहीं कर पाए और बोले, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि तो विधि के विधान कौन जानता है, मैं तो उसे वचन दे दिया हूं। गुरु भाई बहना, चुटकी भर चावल जो लिए थे महादेव, ओ गौरी के जिमा कर दिए कि लो हम वहां से लाए हैं राजा के यहां से अन्न मांग के। गौरी ने क्या किए कि उसी चुटकी भर चावल को भोजन बना के और महादेव को खिलाए और अपने भी खाए। गुरु भाई बहना, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, रानी फिर से गर्भवती रह गई और गर्भवती हो जाने के बाद एक सुंदर सी कन्या जन्म ली। जब सुंदर सी कन्या जन्म ली रानी का उदर से, तो राजा तो अपने कन्या को देखकर बड़े खुश थे, लेकिन रानी बड़ी उदास थी। धीरे 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 कन्या बड़े होने लगी। एक दिन एक ब्राह्मण आए द्वार पे, राजा साहब बड़े धूमधाम से अपने बेटी का छठियार किए और बेटी का बहुत लाड प्यार से पोस पाल रहे थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे जब वो बच्ची 5 वर्ष की हो गई तो अपने द्वार पे खेल रही थी और एक ब्राह्मण आए भीछा लेने के लिए, लेकिन जब इस कन्या पे नजर पड़ा तो ब्राह्मण कहते हैं कि किनका पुत्री है। रानी बोली, ये मेरा पुत्री है। ब्राह्मण कहते हैं कि ये तो विवाहित होने के बाद 7वां वर्ष में विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, कन्या बच्ची थी, नादान थी, लेकिन उसका थोड़ा सा ज्ञान था। जब वो इस बातों को सुनी तो खेल कूद में थी, लेकिन अपना मन में बसा ली थी। रानी दुखी हो गई, लेकिन दुखी हो जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। गुरु भाई बहना, हर पूजा पाठ रानी करती थी। जब तीज व्रत की भाद्रो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन आया तो रानी ने तीज का उपवास की और व्रत की, पूजा की। पूजा कर लेने के बाद रानी को कुछ लोग बैठा कर कथा सुना रहे थे और रानी सुन रही थी कथा। ब्राह्मण कथा सुना रहे थे तो नादान बच्ची बैठकर वहाँ वो भी साथ में कथा सुन रही थी। कथा सुन रही थी तो कथा में सुनी कि इसी कथा में माता पार्वती और शंकर भगवान का मिलन हुआ था और तीज का जो व्रत है वो सुहागनों के लिए है, इससे सुहाग अमर हो जाती है और इसे हम भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस व्रत को रखें और इस व्रत को करें। गुरु भाई बहना, वो नादान बच्ची, छोटी सी बच्ची, अपना दिमाग में ठान ली, मन में ठान ली कि ये व्रत को
हमें करना अवश्य है, हम अवश्य करेंगे। जब समय बीत जाने के बाद दूसरा हरतालिका तीज व्रत आया, तो जैसे जैसे उसके माता ने की, ठीक उसी तरह जैसे माता ने नहाई खाई करके और प्रेम पूर्वक शुद्ध शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन की, कोई तामसी भोजन नहीं, उसी तरह वो कन्या कोई तामसी भोजन नहीं, शुद्ध शाकाहारी का भोजन की। और जब दूसरा दिन हुआ तो पूरा दिन उपवास रही निराजल, और भगवान भोलेनाथ के, माता पार्वती और गणपति के प्रतिमा बनाकर उसकी माता पूजा की, तो उसी तरह वो बिचारी वो भी पूजा की बेटी अपने माता के साथ, और भगवान से ही विनती करते रही कि हे भगवान, आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मेरा सुहाग में ऐसा क्यों, मैं अपने सुहाग अमर के लिए व्रत कर रही हूँ और मेरा व्रत आप स्वीकारें। गुरु भाई बहना, अपने अंजलि में फूल और पुष्प, फूल और जल लेकर, अक्षत लेकर और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने इसका प्रार्थना सुन रहे थे, भगवान ने इसका प्रार्थना स्वीकार कर लिए। अब गुरु भाई बहना जब बेचारी व्रत पूरा की, जब पारण हुआ, तो पारण के दिन बेचारी क्या की राजा की बेटी, जैसे उसकी माता ने पूजा पाठ करके और अपने पति का चरण छुई, तो कन्या कुमारी थी भगवान के हाथ जोड़ के और प्रणाम करके कहती है कि हे भगवान, मैंने तो अपने सुहाग अमर के लिए व्रत रखी हूँ। उसकी माता ने दही चम्मच में लेकर शक्कर मिलाकर और मुंह में डाल ली, गुड़ दही शक्कर चाहे जो भी हो मुंह में डाल ली और व्रत तोड़ी। ठीक उसी तरह एक कन्या ने भी दही गुड़ मिलाकर और व्रत तोड़ दी, और उसके बाद जो भी भोजन बना था वो भोजन कर ली। गुरु भाई बहना ये व्रत करती रही, व्रत करती रही। जब बेचारी का विवाह हो गया, बारात आ गया, विवाह हो गया, राजा एक अच्छे घर घराना देखकर अच्छे राजकुमार से इसका विवाह कर दिए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते इसका दो बच्चे भी हो गए। उसके बाद सातवां वर्ष बीत गया, जब राजकुमारी ने ये व्रत रखती थी तो अपने सुहाग अमर के लिए प्रार्थना करती थी। सातवां वर्ष बीता तो इसे ध्यान था कि मेरा तो विवाह का सातवां वर्ष होने वाला है। गुरु भाई बहना, रानी जब बेचारी राजकुमारी सोई तो पलंग पे अपने पति के साथ सोई और पूरी रात मन में विचार कर रही थी कि मेरा सातवां वर्ष बीत गया है। गुरु भाई बहन दोनों पति पत्नी सोए हुए थे और यमराज वहाँ पे इनके प्राण हरण के लिए खड़ा हो गए। जब प्राण हरण के लिए खड़ी हो गए तो इतना व्रत कर चुकी थी, इतना व्रत कर चुकी थी, इतना अपने पति के नाम से दान पुण्य कर चुकी थी कि यमराज भी उसके कर्म से दूर हट गए और कहते हैं कि मैं तो इनका प्राण कैसे हरूं, इनके पास तो जा ही नहीं पा रहे हैं, मुझे वापस लौट कर जाना है। गुरु भाई बहना यमदूत जो थे धर्मराज जी के पास चले गए हम लोग और कहने लगे कि महाराज, वो तो अपने पत्नी के साथ सोया हुआ है और उसका प्राण हम हरण नहीं कर पा रहे हैं, आखिर कौन ऐसा ओ व्रत की है जो उसका प्राण हम नहीं हरण कर पा रहे हैं। धर्मराज जी कहते हैं ठीक है, हम लोग चलो शंकर जी के पास,
उन्हीं से पूछा जाएगा। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी अपने यमदूत के साथ भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे चले गए और कैलाश पर्वत पे जाकर उनसे प्रणाम करके कहने लगे, हे महाराज, आखिर क्या है जो मैंने एक राजा का पुत्र का प्राण हरण करने के लिए भेजा, लेकिन उसका प्राण तो हरण हो ही नहीं रहा है। मेरा यमदूत वापस चला आया। भोलेनाथ कहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, जाकर विष्णु लोक में पूछो। धर्मराज जी और यमदूत चले गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी से जाकर कहते हैं कि हे विष्णु जी, आखिर ऐसा क्या है जो राजा का पुत्र का प्राण हरण नहीं हो रहा है? कौन ऐसा यज्ञ है? विष्णु जी कहते हैं कि ये तो मुझे पता नहीं, चलिए ब्रह्मलोक में जाकर पूछ लीजिए। वो चले गए ब्रह्मलोक, धर्मराज जी और यमदूत और ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने बही खाता निकाल कर जब देखने लगे तो देखते हैं कि उनका जो पत्नी थी वो तो जब कुमारी थी तब भी भगवान का व्रत कर रही थी और अपने सुहाग अमर के लिए, लंबे आयु के लिए, पति के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करती थी, तुलसी में जल डालती थी और तुलसी का पूजा किया करती थी, भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी, तीज व्रत करती थी, कोई ऐसा व्रत उसे छूटा नहीं था। भगवान ब्रह्मा जी बोले, उसका प्राण कैसे हर सकते हैं? उसका जो पत्नी है इतना सती है, इतना सती है कि उसका एक बाल विवाह का आप नहीं कर सकते हैं, उसका प्राण कैसे हर लेंगे? उसका पत्नी जो है सती सावित्री की तरह अपने पति के लंबी आयु के लिए कामना की है, पूजा पाठ की है और हरतालिका तीज व्रत रखी है, तो उसका प्राण आप नहीं हरण कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर धर्मराज जी बोले कि हे ब्रह्मदेव, यदि ऐसी स्त्रियां पृथ्वी पर हो तो कोई भी विधवा नहीं हो सकती है और अपने सुहाग अमर कर सकती है। सुहाग के बचाने के लिए कोई भी कन्याकुमारी या कोई सुहाग ने अपने व्रत करके अपना पति का जीवन को रक्षा कर सकती है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कितने नारियां हैं जो अपने पति का रक्षा करने के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं? गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी का पति का प्राण बच गया, राजकुमारी का सुहाग अमर हो गया और यमराज भी उसका प्राण को नहीं हर सके। यमराज भी लौट कर चले गए और उसका सुहाग अमर रह गया, मांग में सिंदूर भरा रह गया। तो गुरु भाई बहना, जो व्रत करते हैं तीज व्रत, उसे कथा भी अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि तीज व्रत करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो उसका महात्म नहीं। इसलिए व्रत करके और जब व्रत पूरा हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो कथा जरूरी सुनना चाहिए और दूसरे को सुनाना भी चाहिए। तो गुरु भाई बहना, जैसे राजा की बेटी राजकुमारी ने व्रत किया, व्रत रखा और उसका सुहाग अमर हो गया, मैं भगवान से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग सुहागन रहे और मांग में सिंदूर भरा रहे, गोद में संतान भरा रहे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ,
मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर घर महादेव।